नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में जो है रांची समेत तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी तो कई जगहों पर अलर्ट जारी किया है। तो अगर आप भी झारखंड में रहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस जिले, गांव, क्षेत्र में रहते हैं झारखंड के। तो दोस्तों, पश्चिमी झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का क्षेत्र बना हुआ है। राजधानी रांची से बंगाल की खाड़ी और मानसून ट्रफ गुजर रहा है। इसके असर के चलते कहीं कहीं पर भारी बरसात की संभावना है। आसमान में बिजली गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की है। रांची स्थित मौसम विभाग की माने तो लगभग सभी हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। इसी दौरान आसमान में बिजली गिरने को लेकर भी अगले 5 दिनों तक अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ उतार चढ़ाव भी देखा जाएगा। मौसम में बदलाव भी होगा तो कई जगहों पर झमाझम बरसात के साथ चेतावनी भी जारी की गई है। लगातार हो रहे बरसात के साथ ही दोस्तों यहां पर जो ना मौसम विभाग की माने तो गंगानगर, पिलानी, आगरा, चुर्क, रांची और दीघा से होकर यहां पर मानसून गर्त जो है गुजरते हुए नजर आ रही है। इसी के कारण झारखंड के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी बरसात के साथ चेतावनी है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में दोस्तों जो है यहां पर झमाझम बरसात के साथ आने वाले 24 घंटों के दौरान ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां शामिल है। इन जगहों पर अच्छी खासी बरसात होगी, जबकि 10 जिले हैं जो कि पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के साथ साथ चलने वाले गंगा के जो क्षेत्र है वहां से लेकर समीप बांग्लादेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। ये एक बड़ा साइक्लोनिक सिस्टम है। इसके प्रभाव से झारखंड में बारिश के आसार है। मौसम विभाग की माने तो इसका लंबे समय से दोस्तों जो है ना मानसून की बारिश के असर देखने को मिलेगा। पलामू में 429 मिलीमीटर, रांची में 584 मिलीमीटर, धनबाद में 612 मिलीमीटर, गढ़वा में 481 मिलीमीटर बरसात देखने को मिली है। बीते दिनों से दोस्तों हो रही बरसात के कारण कई जगहों पर जो है ना राज्य में जो कोटे के गैप है वो काफी पूरा हद तक पूरा होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कई जगहों पर दोस्तों पिछले 2 महीनों के दौरान बरसात नहीं होने की वजह से बरसात बहुत कम जताई जा रही थी। लेकिन अब अच्छी खासी बरसात के बाद कई जिलों में जो है ना कोटा पूरा होते हुए नजर आ सकता है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा में भारी बरसात को लेकर येलो अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र के आसपास के इलाकों पर बांग्लादेश के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से राज्य में बारिश के आसार है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी रांची से होकर गुजर रही है और राजधानी रांची के आसपास के इलाकों पर भी भारी बरसात के आसार जताए जा रहे हैं। इसी के कारण खुले में ना रहे, पेड़ के नीचे ना रुके, बिजली के खंभों से दूर रहे, क्योंकि दोस्तों ये बरसात कई हिस्सों में जानलेवा साबित भी हो सकती है। इसी के साथ यहां पर बताया जा रहा है कि झारखंड में 13 अगस्त तक बरसात की संभावना है। कहीं कहीं पर भारी बरसात और गरज चमक के साथ वज्रपात हो सकता है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल, उससे सटे बांग्लादेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण अब गंगा के तटीय क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों पर स्थित है। अगले 24 घंटों के दौरान उसी क्षेत्र पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे बारिश होगी। झारखंड में अभी बारिश होगी और दोस्तों मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में धनबाद जिले में भारी बरसात की संभावना। झारखंड के साथ साथ धनबाद में भी इसका असर दिखेगा। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में सुबह से बादल छाए रहने के साथ कई इलाकों पर हल्की तो कई जगहों पर धूप निकलने के साथ मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। उतार चढ़ाव के साथ परिवर्तन होगा और यहां पर बादलों की वजह के साथ लगातार बदलाव भी देखा जा रहा है। साथ में पिछले 24 घंटों में राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बरसात हुई। सबसे ज्यादा 172.5 मिलीमीटर बरसात बोकारो के पेटरवार में हुई है। कई स्थानों पर अच्छी खासी बरसात के साथ बदलाव भी देखा जा रहा है। उतार चढ़ाव के साथ परिवर्तन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। वही दोस्तों यहां पर अच्छी खासी बरसात के साथ चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो यहां पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, गढ़वा और यहां पर पलामू, रामगढ़ जिले के भी कई भागों पर अच्छी खासी बरसात के साथ बादलों की वजह के साथ परिवर्तन होते हुए नजर आ सकता है। तो कुछ जगहों पर झमाझम बरसात के साथ चेतावनी भी देखने को मिल सकती है। इस वक्त आपके यहां पर बरसात हो रही है, यानी आप किस जिले, गांव या क्षेत्र में रहते हैं पूरे झारखंड के, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों झारखंड के एक एक जिले की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोहरदगा में 24-25 रात के समय, दिन में 27-28, पूरे 7 दिन तेज बरसात और बिजली चमके की बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम में ठंडक और कुछ जिलों में भारी बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट जताया जा रहा है। इसी के साथ लातेहार में 26-27 रात के समय, दिन में 30-31, 5 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक और झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी और मौसम में ठंडक के साथ बादलों की वजह के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा। कोडरमा में 26-27 रात के समय, दिन में 30-31, पूरे 7 दिन अच्छी खासी बरसात और बादल छाए रहेंगे। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की वजह के साथ झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। तो कुछ जगहों पर मौसम में ठंडक, बादल छाए हुए नजर आ रहे। खूंटी में 24-25 रात के समय, तो दिन के समय 28-29 डिग्री तापमान रहेगा। बादल छाए रहेंगे। बरसात के साथ मौसम में ठंडक, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन रहने को लेकर अलर्ट है। इसी के साथ कुछ जिलों में दोस्तों उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ यहां पर जामताड़ा में शनिवार रविवार से एक बार फिर से अच्छी खासी बरसात होगी। बादल छाए रहेंगे। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक है। बादलों की वजह के साथ झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। इसी के साथ हजारीबाग में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक है और पूरे 7 दिन झमाझम बरसात के साथ चेतावनी और अलर्ट भी जारी किया गया। तो कुछ जगहों पर भारी बरसात हो सकती है, बिजली भी चमक सकती है। उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर परिवर्तन होगा। गुमला में दोस्तों पूरे 4 से 5 दिन अच्छी
इक्कासी बरसात और बिजली चमके की बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक के बादलों की वजह के साथ परिवर्तन उतार चढ़ाव जारी और यहां पर भी झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ दोस्तों गोड्डा में पूरे 7 दिन अच्छी खासी बरसात होगी। बादल छाएंगे, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक और भारी बरसात के साथ चेतावनी और बिजली भी चमक सकती है, तो कुछ जगहों पर उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर अलर्ट। और मौसम में ठंडक के साथ बादलों की वजह के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है। यहां पर बताया जा रहा है दोस्तों पूरे के पूरे जो है गिरिडीह में शनिवार से लेकर 7 दिन तक अच्छी खासी बरसात और बिजली चमके की बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट उतार चढ़ाव जारी है। और यहाँ पर शनिवार से भारी बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट। मौसम में ठंडक, बादलों के आवाज के साथ परिवर्तन और झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे गढ़वा के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है। 4 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक है और झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट और चेतावनी भी जारी की गई। और मौसम में ठंडक के साथ बादलों के आवाज के साथ परिवर्तन है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे पूर्वी सिंहभूम के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन होगा। दुमका की बात करें तो शनिवार, रविवार, सोमवार तक तेज बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक और भारी बरसात की गतिविधियों को लेकर सोमवार तक अलर्ट है और चेतावनी जारी है। और मौसम में ठंडक के साथ बादलों की वजह के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों धनबाद में पूरे 7 दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बरसात के साथ मौसम में ठंडक है, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन भी देखा जा रहा है। उतार चढ़ाव जारी रहेगा और झमाझम बरसात की गतिविधियों के साथ चेतावनी भी है। साथ में मौसम में ठंडक भी देखा जा रहा है, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन भी है। देवघर में शनिवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक रहेगा, झमाझम बरसात के साथ चेतावनी और अलर्ट है। और मौसम में ठंडक के साथ बादलों की वजह के साथ परिवर्तन रहेगा। बोकारो में 4 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन रहने को लेकर अलर्ट है। इसी के साथ चतरा के मौसम में बदलाव, झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। रविवार तक भारी बरसात भी हो सकती है, बिजली भी चमक सकती है, मौसम में ठंडक भी रहेगा, उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा और बादलों की वजह के साथ हर तरफ मौसम में बदलाव होने के आसार है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जो है मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान सिमडेगा के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक रहेगा, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन होने को लेकर चेतावनी है। साथ में यहाँ पर खरसाओं के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, उतार चढ़ाव जारी है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक रहेगा और भारी बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे सरायकेला में शनिवार से अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक है, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन के साथ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। साथ में मौसम में ठंडक भी कई जगहों पर देखने को मिलेगा। साहिबगंज में दोस्तों पूरे 7 दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक रहेगा और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन है। राजधानी रांची की बात करें तो रांची में भी झमाझम बरसात के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ रामगढ़ में दोस्तों शनिवार रविवार को तेज बरसात और बिजली चमकेगी। पलामू में 4 दिन भारी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर पूरे के पूरे जो ना यहाँ पर पाकुड़ में 7 दिन अच्छी खासी बरसात और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन होगा। तो आप झारखंड में कहाँ पर रहते हैं, आपके यहाँ पर बरसात हुई कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना।